हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और जैसा कि अपने को मालूम है कि हम लोग कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ आईपी का रिवीजन टूर, जिसमें हमने कर चुकी है यूनिट वन का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने किया है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। अब हम करने वाले हैं उसके बाद का टॉपिक, जिसमें आज हम करने वाले हैं डेटा विजुलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा विजुलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर डेटा विजुलाइजेशन होता क्या है। तो डेटा और विजुलाइजेशन बनता है हमारे पास दो शब्दों से, जिसमें पहला शब्द लिखा हुआ है डेटा और दूसरा शब्द लिखा हुआ है हमारे पास विजुलाइजेशन। ठीक है, अब डेटा मतलब तो सबको मालूम है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेटा। और ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। विजुअल फॉर्म में हो सकता है, ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी फॉर्म में हो, वो सब क्या कहलाती है, हमारे पास डेटा। अब इसको क्या बोलते हैं, विजुलाइजेशन। अब विजुलाइजेशन क्या होता है, इसी डेटा को जब हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम जो ये विजुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो विजुअल फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। विजुअल फॉर्म से मतलब है कि जब भी हम किसी भी डेटा को विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, या किसी भी प्रकार के इस तरीके के चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं जो कैसे हों, विजुअली, जिनको हम देखकर समझ सकें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेकिन हम पांडास में किस चीज़ की बात करेंगे, डेटा विजुलाइजेशन के एक लाइब्रेरी की, जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। हम किसकी यूज़ करने वाले हैं, मैटप्लॉटलिब। इसी तरीके की चीज़ को विजुलाइज करने के लिए कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डेटा है, ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा इतना हो जाता है कि हम क्या करते हैं, उस डेटा को देख कर कुछ डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या हो रहा है उस चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में। सपोज़ सेल्स का डेटा है, तो सेल्स का डेटा हम देख कर नहीं बता सक पा रहे हैं कि क्या हमारे सेल्स डाउन हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर मंथ में डाउन हुए थे, किस पर्टिकुलर मंथ में इंक्रीज़ हुए थे, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस डेटा को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को देखकर हम डिसीजन ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि डेटा में किस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास एक ग्राफ है, हम इसमें पर्टिकुलर हमारे पास सेल्स और मंथ के बेसिस पे हमने एक ग्राफ बनाया। अब हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ कैसा जा रहा है ऊपर, तो हम इसको देख कर एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब कि हमारे सेल्स पर मंथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कहीं पर हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पर कम हुए हैं, कुछ जगह पर इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ जगह पर कम हुए हैं, बट जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज ही हो रही, मतलब हम एक पर्टिकुलर एक नज़र में देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि अभी इतना हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है ऊपर। बट इसी केस में यदि हमारा ग्राफ इस तरीके से जा रहा होता, ठीक है, ये जा रहा है बट बाद में ऐसा कुछ नीचे जाने लगा, सो इसमें भी हमने देखकर पता कर लिया कि हमारी कंपनी का ग्राफ अब कैसे हो रहा है, नीचे जा रहा है। और ये चीज़ जो हमने बनाई है, किसकी हेल्प से बनाई है, जो हमारे पास डेटा आए हैं, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उसकी बेसिस पे हमने क्या बनाया है, कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, कुछ चार्ट्स बनाए हैं, कुछ विजुअल चीज़ें बनाई हैं, जिसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि आखिर किस तरीके से हम डिसीजन लें कि ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है या जो हमारा डेटा है उसमें चेंजेस हम ला सकें। तो हम इसको देख के ही समझ जाएंगे कि हमारे सेल्स डाउन हो रहे हैं, हमें किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, किसी डेटा को निकाल के देखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ कम वैल्यू कम ज्यादा। ठीक है, विजुअल फॉर्म में हम बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा हमने पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, हमारे जो रियल वर्ल्ड हमारे एग्जांपल्स हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा विजुलाइजेशन में, जैसे कि ट्रैफिक लाइट। ठीक है, किसी चीज़ का कुछ सिंबल्स वगैरह नहीं लिखे रहते, सिंपली हमें मालूम रहता है कि रेड लाइट दिख रहा है तो रुकना है, ठीक है, ग्रीन लाइट दिख रहा है तो चलना है। स्पीडोमीटर में हमारे पास एनालॉग मीटर लगा रहता है या डिजिटल मीटर लगे रहते हैं, सिंपली हम उनको देख कर ही पता कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, 80 पे कांटा पहुंचा, मतलब कि हमें किसी प्रकार के एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी, हमें मालूम चल जाएगा कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर एक सिंबल्स या कुछ सिग्नल्स को देख कर ही समझ जाते हैं कि वह उसमें किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, या किसी भी चीज़ की जो मीटर्स होते हैं वो भी क्या है, एक तरीके के डेटा विजुलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेटा
विजुलाइजेशन, ठीक है। सो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिंपल सी एक लाइन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ विजुअल्स लाइक ग्राफ, चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एटसेट्रा, उसे ही क्या कहा जाता है डेटा विजुलाइजेशन। कि यदि हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक विजुअल फॉर्म में, यानी कि बार, चार्ट्स, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के डायग्राम्स, ठीक है, उस फॉर्म में यदि हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है डेटा विजुलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि हम किस में करेंगे इस प्रकार का डेटा विजुलाइजेशन, हम करने वाले हैं पाइथन में, ठीक है। सो हम पाइथन में करने वाले हैं, पाइथन में एक लाइब्रेरी जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मैट प्लॉट लिब। कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, मैट प्लॉट लिब, यानी कि हमको पाइथन की हेल्प से किसी भी प्रकार के डेटा को विजुलाइज करना है, ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, सो हम किस लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में, डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है और पाइथन में हम किस लाइब्रेरी की हेल्प से डेटा विजुलाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ती है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें कमांड लिखनी पड़ती है पीआईपी इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, ठीक है। सो ये भी याद रखना अपने को कि किससे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को हमारे कोड में, विद द हेल्प ऑफ PIP install matplotlib। तो ये क्या होगा, ये लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अब इसको इंस्टॉल करने से क्या हुआ कि जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास, यानी कि ये matplotlib में इतने सारे फंक्शंस बने हुए हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, या अनेक प्रकार के जितने भी विजुलाइजेशन वाले हमको काम करने हैं, वो सारे के सारे काम को करने के लिए फंक्शन किस लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं, matplotlib लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए। एक सिंपल सा एग्जांपल यदि दें तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लॉट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, इसी लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह हमको यदि एक्स एक्सिस के लेबल देने हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्स लेबल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या होता है हमारे पास, एक्स लेबल, तो हम एक्स एक्सिस के लेबल दे सकते हैं, वाई लेबल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, वाई लेबल्स के हम क्या दे सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, फंक्शंस हैं, और ये सारे फंक्शंस का यूज क्या है, हमारे ग्राफ को बनाना, मतलब हमको यदि ग्राफ बनाना होगा किसी भी प्रकार का तो हम कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे, और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारी किस लाइब्रेरी में लिखे रहते हैं, वो हमारे लिखे रहते हैं पाइथन की मैट प्लॉट लिव लाइब्रेरी के अंदर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बातें। अब मैट प्लॉट लिब में भी यदि हमको ग्राफ्स बनाना है जो कि हमारे सिलेबस में है, तो उसमें हमको एक और मॉड्यूल को इंक्लूड करना पड़ता है जो किसके अंदर है, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर है। उस मॉड्यूल का नाम होता है पाई प्लॉट। क्या होता है, पाई प्लॉट। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना है रहता है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट माई मैट प्लॉट लिव डॉट पाइप्लॉट एज PLT। यहाँ पर ये जो पाइप्लॉट लिखा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, हमारा मॉड्यूल। क्या है ये, हमारा मॉड्यूल। इसी पाइप्लॉट मॉड्यूल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे ग्राफ्स को बनाते हैं, ठीक है। सो यदि matplotlib लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं और हमें कुछ भी ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो हमको हम क्या करते हैं, उस matplotlib के अंदर एक और मॉड्यूल है, यानी कि जिसमें ये पूरा कोड लिखा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बना होगा जिसमें अलग से क्या लिखे होंगे, ग्राफ्स बनाने वाले कोड लिखे होंगे, और उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट matplotlib डॉट पाइप्लॉट एस PLT। ये एस PLT तो हमें मालूम है कि एक अलियास होता है जो कि हमारा यूज़ होता है किसी भी फंक्शंस वगैरह को कॉल करने के लिए, ठीक है। बट हमारे कोड में यदि हमको यूज़ करना है इस पाइप्लॉट के अंदर लिखे हुए फंक्शंस को, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से पांडास में लिखे हुए फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट पांडास एज PD लिखते थे, ठीक है। तो हम यूज़ कर पाते थे डिफरेंट फंक्शंस उसके, ठीक है।
इसी तरह यदि हमको मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाइप्लॉट मॉड्यूल है उसके फंक्शंस यूज करने हैं तो हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज़ कि कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, तो क्या होगी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। या डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहा जाता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा विजुलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एमसीक्यू बनता है कि हम किस तरीके से मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो पीआईपी इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इसके बाद ये सारे क्या हैं, फंक्शंस से, इन फंक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं जिनको हम अभी एडवांस में अभी आगे पढ़ेंगे जिनके बारे में, ठीक है। हम सारे फंक्शंस लाइन से देखेंगे कि किसका क्या यूज़ है, बट यदि हमको ये फंक्शंस को यूज़ करना है तो फिर से एक एमसीक्यू बनता है कि आपको ग्राफ्स बनाने वाले फंक्शंस का यूज़ करना है तो आपको कौन सी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। तो इंस्टॉल आज का आंसर क्या होगा, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और लास्ट में हम कौन से मॉड्यूल को इंक्लूड करते हैं ग्राफ्स बनाने के लिए, हम इंक्लूड करते हैं पाइप्लॉट मॉड्यूल। और उस मॉड्यूल को इंक्लूड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी। ये जो हमने डॉट करके पाइप्लॉट लिखा है इसका मतलब हम उस मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सी चीज़। अब आते हैं हमारे थोड़े से कोडिंग पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डेटा विजुलाइजेशन हमें करना है उसको करने के लिए जो हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसमें कौन कौन से फंक्शन हैं जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी है हमारी, मैटप्लॉटलिब, mat plotlib, ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी है। इसके अंदर अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें भी हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, इसका कौन सा मॉड्यूल, पाइप्लॉट, यानी कि हम जो फंक्शंस लिखेंगे वो किस मॉड्यूल के अंदर होंगे, पाइप्लॉट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है प्लॉट फंक्शन। क्या फंक्शन आता है, प्लॉट फंक्शन। इसका क्या काम रहता है, इसका काम रहता है कि यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसका क्या काम रहता है प्लॉट फंक्शन का, कि ये क्या करता है, ये हम क्या करता है कि हमको एक फिगर बना के देता है। हम प्लॉट फंक्शन लिखते हैं तो ये क्या करेगा, एक फिगर क्रिएट करेगा, यानी कि एक एरिया क्रिएट करेगा जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही एरिया को हम क्या कहते हैं, फिगर, ठीक है। जितने एरिया में हमारा ग्राफ होगा या जितने एरिया में हम डेटा को विजुलाइज करते हैं इसको क्या कहा जाता है, फिगर, ठीक है। ये भी एमसीक्यू से याद रखना कि फिगर क्या होता है, फिगर वह जगह होती है या वो एरिया होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं या ग्राफ को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ये जो एरिया उसे हम क्या कहते हैं, फिगर, ठीक है। इसके अलावा हम किस इसको किसकी हेल्प से बनाते हैं, इस फिगर को प्लॉट फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम देख लेते हैं पहले तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ कि आखिर हमारे पास एक ग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हमको उन ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं और हम उनको किन कौन कौन से फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारे पास होती है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहती है हम उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो हमारे पास ऐसी है इसको क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये सभी को मालूम है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पूरा हमारा क्या है, फिगर है, ये हमको मालूम है, इसको क्या कहा जाता है, फिगर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टिक्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जितने भी नंबर्स हमको एक्स एक्सिस पे मिलेंगे या जितने भी पॉइंट्स हमको एक्स एक्सिस पे मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्स टिक्स। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एक्स टिक्स। क्या कहा जाता है इनको, एक्स टिक्स। सीधी बात है, ये एक्स एक्सिस पे, तो इन्हें क्या कहते हैं, एक्स टिक्स, ठीक है। ये सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है, एक्स टिक्स। इसी तरह ये जो हमारे वाई एक्सिस पे हैं हमारे पास टिक्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वाई टिक्स, ठीक है। याद रहेगा ये हो गए एक्स टिक्स, ये क्या हो गए हमारे पास वाई टिक्स, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, इसके अलावा इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस।
इसके बाद हमारे पास आता है टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है हमारे पास जिस चीज़ के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं उसको एक नाम देते हैं, वही क्या कहलाता है? टाइटल। और जब हम ग्राफ को क्या करते हैं? शो करते हैं, तो वो टाइटल कहाँ लिखा रहता है? यहाँ पे, यानी कि टॉप ऑफ द ग्राफ। इसे क्या कहा जाएगा? टाइटल कहा जाएगा। याद हो गया टाइटल भी। अब ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो गया? प्लॉट, ठीक है, जो हमने बनाया है, प्लॉट या ग्राफ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, जो हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो है हमारे पास, सपोज मैंने यहाँ लिख रखा है कि इतनी मोटी लाइन है, ये क्या है हमारे पास? ये हो गई इंडिया की, और जो सिंगल लाइन है पतली सी, वो क्या हो गई? पाकिस्तान की। ये कलर्ड में भी रहती है, ठीक है। तो और यहाँ पे दो लाइंस बनी होंगी, ये समझ लो कि ये मोटी है, और एक पतली सी लाइन है ऐसी जा रही है, ये क्या हो गई? ये पतली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये मोटी है और ये पतली है, हमको दर्शाना पड़ेगा कि ये मोटी किस लिए बनाई है और पतली किस लिए बनाई है लाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? नीचे यहाँ पे हमारे पास हम क्या देते हैं? हम देते हैं लेजेंड्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? लेजेंड्स, एल ई जी ई एन डी एस, ठीक है। लेजेंड्स मतलब कि यह बताते हैं कि जो ग्राफ में मल्टीपल जो हमने ग्राफ बना रखे हैं उनमें से डिस्टिंग्विश किसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शो किया है कि जो मोटी लाइन है वो इंडिया की है, और जो पतली लाइन है वो पाकिस्तान की है। इसी तरह कलर्स शो रहते हैं कि रेड है तो कोई दूसरा है, ग्रीन है तो कोई दूसरा है। तो हम क्या करते हैं? उसकी हेल्प से उन लेजेंड्स को देख के हम क्या कर सकते हैं? दो डिफरेंट ग्राफ्स को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया को ब्लू से दिखाते हैं और पाकिस्तान को ग्रीन से दिखाते हैं। सो इस तरीके की चीज़ क्या कहलाती है? हमारी लेजेंड्स, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो आएंगे आगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे तमाम चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ हमारा ग्राफ, कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, एक ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए फंक्शंस हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, कि हमें एक्स टेक्स्ट चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, वाई टेक्स्ट चाहिए तो हम कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइटल देना है तो कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे, लेजेंड देना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, और वो सारे फंक्शन किस में लिखे हुए हैं एक बार फिर से बता दूँ? पाइपलॉट मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया होगा होप। तो चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पाइपलॉट मॉड्यूल, ठीक है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, और वो फंक्शन किसके हैं? हमारे पाइपलॉट के। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्लॉट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? प्लॉट, ठीक है। और प्लॉट के अंदर भी हम दो पैरामीटर देते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, याद रहेगा। प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन का क्या काम है? हमारे ग्राफ को क्रिएट करना। हम इसमें एक्स और वाई देते हैं, यानी कि एक्स के पॉइंट्स देते हैं और वाई के पॉइंट्स हम इसमें देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्स के पॉइंट रहते हैं और वाई के पॉइंट रहते हैं, उसके बेसिस पे क्या हो जाता है? हमारा ग्राफ क्रिएट हो जाता है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे जब हम इनको और डीप में देख लेंगे। यहाँ पे ये क्या है? हमारे एक्स पॉइंट्स हैं और ये क्या है? हमारे वाई पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? एज अ लिस्ट पास कर सकते हैं इनके बीच में, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, और वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास? 20, 30, 40, 50। तो हम क्या कर सकते हैं? इन नंबर्स को जो कि हमारे पॉइंट्स है, एज अ लिस्ट हम इस पैरामीटर में पास कर देंगे, और वो उन पैरामीटर के बेसिस पे हमारे ग्राफ को क्रिएट कर देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्लॉट फंक्शन है वो कौन सा ग्राफ क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट, ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यदि हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्लॉट फंक्शन है वो कौन सा ग्राफ क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ याद रखोगे। अब ये हो गया हमारा पहला फंक्शन जो था हमारा प्लॉट। अब हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन जिसका नाम है शो। क्या है हमारे पास? शो। शो का काम क्या रहता है कि सपोज हमको क्या करना है कि अब हमारा जो प्लॉट बना है उसको दिखाना है, जो हमारी स्क्रीन है उस पर दिखाना है कि क्या बना हुआ है। तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? शो फंक्शन यूज़ करते हैं। और ये भी किसके अंदर है? पाई प्लॉट
मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो मेन चीज़ें हो गई कि बनाना किससे है, प्लॉट फंक्शन से, और उसमें हम क्या देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट देते हैं, और जो चीज़ बन जाती है उसको शो करने के लिए क्या करते हैं, हम शो फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो वैल्यू हमको दिख जाती है कि जो भी चीज़ है वो शो हो जाती है। सपोज हमने चला लिया है तो हमको इस तरीके से क्या होगा, एक्स एक्सिस दिखेगा और वाई एक्सिस दिखेगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे, सपोज कि हमने दिए हैं एक्स के लिए 20, 30, 40 और 50, सपोज इतने पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पे क्या दिया है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और यदि हमने ये पॉइंट्स दिए हैं तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे ग्राफ पे शो होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स हमको शो हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये मीट होंगे एक्स एक्स, वहाँ वहाँ पे क्या होंगे, हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, 2, 4 है, वहाँ 3, 4 है, और ये 8, 3 है, तो क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और एक हमको क्या मिलेगा, एक लाइन ग्राफ क्रिएट होगा जहाँ जहाँ पे भी हमारे एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ एक्स कॉमा वाई जहाँ जहाँ मिलेगा हमको, वहाँ वहाँ हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और हमारी एक लाइन ग्राफ क्रिएट हो जाती है। सपोज़ कि x कितना है हमारे पास 20 और y 2 है, यहाँ पे 20 वैल्यू आ रही है, y 2 आ रही है, तो x कहाँ पे 20 है, यहाँ पे, और y यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, पहला पॉइंट। इसी तरह दूसरे में सपोज है 4 और 40, तो ये दोनों जहाँ मीट होते हैं वहाँ पे हमको दूसरा पॉइंट मिल जाता है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक लाइन ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, एक लाइन ग्राफ को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरी चीज़ कि प्लॉट से प्लॉट किया और शो से शो किया, तो हमने क्या किया, इस तरीके से क्या किया, एक लाइन ग्राफ को क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेव फिक फंक्शन, यानी कि अब हमारे पास ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इस ग्राफ को सेव करना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सेव फिक, ठीक है। यदि हम सेव फिक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ PLT alias, ठीक है। हम हर सर फंक्शन को किसकी हेल्प से कॉल करते हैं, PLT.pyplot, PLT.show, PLT.savefig, ठीक है। यदि हमने इसको क्या किया, कॉल कर दिया इस फंक्शन को, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और हम इस पैरामीटर के अंदर दे सकते हैं कि हमको किस नाम से इस जो भी ग्राफ है उसको सेव करना है, x.png, ठीक है। तो ये क्या होगा, x नेम से हमारा जो भी है वो सेव हो जाएगा, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी हम पैरामीटर देते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, और सेव फिक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है उसको हम सेव कर सकते हैं एज इमेज, ठीक है। .png है, मतलब ये किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, एक इमेज के फॉर्म में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेव फिक फंक्शन। नेक्स्ट अब हमारा कि हम चाहते हैं कि ग्राफ तो बन गया, ग्राफ के एक्स लेवल्स भी हो गए, लेग्स टिक्स हो गए, वाई टिक्स हो गए, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाते हैं। अब हम देना चाहते हैं इसमें यहाँ पे x और y के हमारे पास लेवल, कि ये जो हमारा x एक्सिस है वो किस लिए हमने लिख रखा है, और y एक्सिस है वो किस लिए लिख रखा है, यानी कि 20, 30, 40, 50 लिखा है तो क्यों लिखा है, और 2, 3, 4, 6 लिखा है तो ये चीज़ क्या है। तो इनको दिखाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, x लेवल और y लेवल। सिंपल हम क्या करते हैं, याद रखना कि जो स्पेलिंग है वो क्या है, लेवल है, ना कि लेवल्स। तो हम क्या करेंगे, PLT लिख के क्या लिखेंगे, एक्स लेबल, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि, और इसके अंदर हम एज ए स्ट्रिंग पास करते हैं कि समझ, सपोज ये जो एक्स है वो क्या है हमारे पास, डेज हैं, क्या है ये, डेज हैं, कोई भी डेज हैं, तो हम क्या लिख देंगे उसमें, सिंगल स्ट्रिंग में डेज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेज, ठीक है, कि 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, तो ये क्या आएगा, हमको शो हो रहा है डेज, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है हमको, डेज दिखाएगा, ठीक है। सपोज और हम चाहते हैं कि वाई एक्सिस पे भी लेवल दिखे, तो हम क्या लिखेंगे, PLT.yLabel, और इसमें हमने लिख दिया टेम्प, यानी कि टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेज लिखा आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो वाई लेवल है वहाँ पे क्या दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देगा टेम्प, इस तरीके से क्या लिखा रहेगा, TEMP टेम्प। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाई लेवल, और इसको कहा जाता है एक्स लेवल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या हो गई हमारी, वाई लेवल और एक्स लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे इस ग्राफ में अब दिखने लगेगी। अब हमें यदि टाइटल देना है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी PLT का यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, डॉट टाइटल, TITLE,
और हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिटी टेम्परेचर एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, हम जो भी इसमें पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा एज अ टाइटल, क्या लिखा रहेगा, सिटी टेम्परेचर। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ का तो और भी अच्छे से आउटपुट समझ में आएगा कि किस चीज़ से क्या हो रहा है। ठीक है, फिर भी अभी क्लियर हो गया होगा। सिंपल, हम प्लॉट फंक्शन से क्या करते हैं, ग्राफ क्रिएट करते हैं जिसमें एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं, और ये एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट एज ए लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, डेटा फ्रेम के फॉर्म में भी दे सकते हैं, आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, इसके अलावा PLT डॉट शो मेथड पढ़ी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी ग्राफ बना है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे दिख गया, अब हम चाहते हैं कि वो हमारी मशीन पे क्या हो जाए, सेव हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, PLT डॉट सेव फिट फंक्शन को यूज़ करके क्या करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में एक नाम दे सकते हैं, और वो क्या होगा, जो भी ग्राफ होगा हमारे सिस्टम में एज अ इमेज क्या हो जाएगा, सेव। यदि x.png लिखा है तो वो किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, x नाम से सेव हो जाएगा इमेज के फॉर्म में, जिसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, png। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गया सिंपल ग्राफ बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो भी एक्स लेवल हैं और वाई लेवल हैं उनको कुछ नाम देना चाहते हैं, ताकि हम पहचान लें कि एक्स लेवल पर जो लिखे हुए हैं नंबर्स वो किस चीज़ के लिए हैं, और वाई लेवल्स पे जो नंबर है वो किस लेवल चीज़ के लिए हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स लेवल और वाई लेवल नाम का फंक्शन। यदि हम PLT डॉट एक्स लेवल के अंदर डेज लिखते हैं तो हमारा डेज यहाँ पर प्रिंट आया हुआ दिखता है, और PLT डॉट वाई लेवल लिखते हैं तो हमको कहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह PLT डॉट टाइटल लिखते हैं तो ये पूरा ग्राफ किस लिए बनाया है, उसकी हेडिंग यहाँ पर कहाँ पर दिखाई देती है, ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ यहाँ पे हमें लिखाई देगा सिटी टेम्परेचर, क्योंकि हमने सिटी टेम्परेचर किसके पैरामीटर में दिया है, PLT डॉट टाइटल। ठीक है, याद रखना हर चीज़ में क्या लिखा हुआ है, डॉट PLT डॉट, और ये PLT क्या है, ये वही एलियास है जिसका हमने क्या किया है, इंक्लूड करने के बाद रिजार्स क्रिएट किया है, यानी कि इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। ठीक है, हमने क्या किया था, इम्पोर्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्पोर्ट, ये स्मॉल में लिखा होगा पूरा, ठीक है, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव, और इसके बाद ये डॉट पाई प्लॉट और एज PLT। तो यही वो PLT है जिसका यूज़ हम क्या कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, ये सारे PLT वही हैं। ठीक है, ये इनको क्या कहा जाता है, एलियास। ठीक है, कि मतलब हम हर जगह इतना लंबा ना लिख के मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट ना लिख के क्या लिख रहे हैं, सिर्फ PLT लिख रहे हैं। यदि हम ऐसा PLT नहीं लिखते तो हमको हर फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता, ये लाइन लिखनी पड़ती, मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट डॉट, और फिर यदि हमको शो करना रहता तो हम लिखते शो। ठीक है, तो ये इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती, तो हम इतने पूरे की जगह आप क्या लिख रहे हैं, सिर्फ PLT डॉट शो। और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमने एस करके क्या दिया हुआ है, PLT दे रखा है। ठीक है, होप आपको पसंद आ गया होगा ये पॉइंट, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि अच्छा लगा हो, कि यदि आपको पहले से नहीं पता हो तो, और पहले से पता हो तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है लेजेंड। ठीक है, कि अब हमें बताना है कि हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स हैं तो हमको डिस्टिंग्विश करना है दो ग्राफ्स के बीच में, तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं, लेजेंड। उसके केस में हमें लिखना है PLT डॉट LEGEND लेजेंड, और इसमें हम देते हैं एज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट, जो भी हमारे लेजेंड में आर्गुमेंट्स देते हैं हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में देना रहता है, तो ये जो लेजेंड फंक्शन है इसमें हम क्या देंगे, जो भी हमारा पैरामीटर है एज अ स्ट्रिंग देंगे, और वो लेजेंड हमारा कहाँ शो होने लगेगा, हमें यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो लेजेंड में हम क्या दे सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो यदि मल्टीपल ग्राफ्स है तो उस केस में हम लेजेंड देते हैं, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफ्स को। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तमाम फंक्शन जिनका यूज़ हम करने वाले हैं एक ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। सो होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्स के लेवल दे सकते हैं, वाई के लेवल दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, एक्स टेक्स, वाई टेक्स, ये सारे हमने चीज़ें देखी। होप वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, और साथ में हम कोशिश करेंगे
कि इसका पूरा कस्टमाइजेशन देखेंगे कि एक ग्राफ को किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं। सो वो पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, इस बोर्ड पर मैं कस्टमाइज करके दिखाऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे हमारे सिस्टम पे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।